आज का व्लॉग शुरू करते हैं कुछ अलग अंदाज में, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एक ऑफिस के इवेंट में। एमजी रोड ताज होटल में होगा, तो चलिए आपको एमजी रोड दिखाते हैं। मैं खुद भी बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, बहुत सालों बाद, ना दिनों। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मेरी कैब आ चुकी है और मैं निकल चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ एमजी रोड की तरफ। तो एमजी रोड बहुत सालों बाद, करीबन आई थिंक 8 ईयर्स के बाद तो शायद मैं जा रही हूँ, क्योंकि इनिशियली मैं वहीं पे जॉब करती थी। एमजी रोड पे ही मेरा ऑफिस था। उसके बाद जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो तब से और एमजी रोड जाना हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हम लोग इसलिए जा नहीं पाते हैं। एमजी रोड हो गया, फिर जयनगर, फिर शिवाजी नगर, कमर्शियल मार्केट, वो सब एकदम ओल्ड हेरिटेज प्लेसेस है बेंगलोर की, जहाँ पे बहुत क्राउड भी है और बहुत सारा मार्केट्स वगैरह बहुत कुछ है। लेकिन आजकल हम लोग उधर जाने का इच्छा ही नहीं करता है, क्योंकि इतना दूर है वो सोच के। लेकिन पहले क्या, इनिशियल डेज इन बेंगलोर हम लोग वीकेंड मतलब वहीं पे कहीं एक जगह पे घूमने चले जाते थे। तो चलिए देखते हैं कैसा है एमजी रोड, अभी कितना बदल चुका है। तो मेरा एक ऑफिशियल एक इवेंट है आज, तो इसीलिए मैं उसको अटेंड करने जा रही हूँ। तो आप लोग के साथ भी मैंने सोचा एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना लेती हूँ और थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैं आ चुकी हूँ इब्लुरू में, यहाँ से अभी आगरा, फिर उसके बाद वहाँ से लेंगे कोरमंगला का रास्ता, फिर वहीं से हम लोग आज जाने वाले हैं एमजी रोड। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आगरा बस स्टैंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विशाल हनुमान जी का मूर्ति और एक बड़ा सा जगन्नाथ टेम्पल। सो ये काफ़ी एक फेमस टेम्पल है दोनों ही, और कभी कभी मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ। जब मेरा ऑफिस बीटीएम में था, उस टाइम मैं कभी कभी यहाँ पे आती थी, पूजा देती थी, प्रणाम करती थी, तो मुझे एक अलग सी सुकून सी मिलती थी। तो आप लोग अगर आसपास रहते हो आगरा के, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए जगन्नाथ जी का टेम्पल और हनुमान जी का टेम्पल। और ये रहा कोरमंगला का रास्ता, ऑलरेडी हम लोग पकड़ चुके हैं, और तो यहाँ से अभी सीधा जाने वाले हैं आई थिंक कोरमंगला फर्स्ट ब्लॉक, वहाँ से हम लोग एमजी रोड का रास्ता पकड़ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रास्ता। तो बेंगलोर वासियों, आप लोग तो जानते ही हो ये कौन सा रास्ता है। तो अभी मैं हूँ कोरमंगला में, और बहुत ही नॉस्टैल्जिक लग रही है, क्योंकि इनिशियली जब मैं आई थी बेंगलोर में, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेरा पहला जगह था। उसके बाद हम लोग आ गए थे कोरमंगला में, तो कोरमंगला 8th ब्लॉक, फिर वहाँ से आई थिंक कोरमंगला वो तावरकरे, वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो वहाँ से ये सब जगह काफ़ी एक्सेसिबल था, तो हम लोग वीकेंड्स में फ्रेंड्स के घर आना जाना, और फिर एक साथ लंच, डिनर, पार्टी हम लोग एक साथ करते थे। और ये रहा वो सोनी वर्ल्ड सिग्नल, ये फेमस हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे एक मॉल भी था जहाँ पे लाइफस्टाइल वगैरह था, होम सेंटर था, तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत बार आए हैं, पूजा की शॉपिंग करने हो या ऐसे इनिशियली कुछ भी ख़रीदने के लिए। यहाँ पे एक बड़ा सा मान्यवर था, तो ये काफ़ी एक कॉमन रास्ता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेस भी है, और इसके बीच बीच में कोरमंगला का एक एक फेज़ है, एक एक रास्ता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। ब्यूटीफुल हाउसेस, उसके साथ ब्यूटीफुल पार्किंग, और बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही सुंदर। फिर बहुत सारे बंगाली रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे हैं कोरमंगला में। तो ये रास्ता काफ़ी एक नॉस्टैल्जिक है, और मैं बहुत सालों बाद यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ इस जगह को छोड़ के उस तरफ गई हूँ, तो यहाँ आने का मतलब इतना ट्रैफिक होता है ना, आने का और मन नहीं करता है, ऐसा ही हो चुका है। और हम लोग थोड़ा मतलब लेज़ी भी बन चुके हैं, वीकेंड्स में लेज़ी हो जाते हैं कि चलो ठीक है अभी कौन निकलेगा, आसपास ही घूम लेते, पास में फिनिक्स में चले जाते हैं या वाइट फील्ड में चले जाते हैं, ऐसे ही हो गया है। तो ये रास्ता भी काफ़ी कॉमन है मेरे लिए, क्योंकि जब मेरा ऑफिस एमजी रोड में था, मैं यहीं से आती थी मेरा स्कूटी लेके। तो आजकल मैं स्कूटी और चलाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और अच्छा नहीं लगता है। तो इनिशियली मैं जब मैं ऑफिस जाती थी स्कूटी से जाती थी,
अराउंड 10 किलोमीटर्स आई टू ड्राइव अप एंड 10 किलोमीटर्स आई टू ड्राइव डाउन. तो इतना ट्रैफिक, बारिश, पॉट होल्स, मतलब पूरा कचकच कचकच. अभी और अच्छा नहीं लगता है, जब से मेरी बेटी हुई है वो स्कूटी वैसे ही पड़ा है और चलाने का मन नहीं करता है. तो देखते देखते मैं पहुंच चुकी हूँ ताज एमजी रोड, जहाँ पे ये ऑफिशियल इवेंट है. तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं और काम कर लेते हैं. तो मेरी ऑफिशियल इवेंट अभी ख़त्म हो चुकी है और अभी बज रहा है 6:30 PM के और अभी मैं निकल चुकी हूँ. मुझे कैब नहीं मिला, मुझे मिला है नम्मा यात्री का ऑटो, जो मेरा ज़रूरत में साथी बन जाता है. तो अभी मैं एमजी रोड देख देख के अभी मैं जाऊँगी घर. और ये सामने देखिए बड़ा सा गुरुद्वारा है और इट्स सो ब्यूटीफुल. आई थिंक नया बना है, पहले तो नहीं देखा था इसको. बहुत ही खूबसूरत है ये, देखिए मैं आप लोग को एक व्यू दिखाना चाहूँगी. ये देखिए, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल. ये मेरा चेकलिस्ट में रहेगा, एक बार ज़रूर विज़िट करूँगी. तो चलिए अभी चलते हैं घर. आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, सुबह से बहुत काम किया. काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, सुबह जाके ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, और काफ़ी अच्छा लगा. एक यूनिक एक्सपीरियंस आज गैदर किया. और उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ घर. और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है चारों तरफ, इतना लाइटिंग और बड़ा बड़ा ब्रांडेड सारे शोरूम, रेस्टोरेंट्स, पब्स, मतलब बहुत ही हैपनिंग जगह है एमजी रोड. तो आप लोग ज़रूर आइए, देखिए. जो लोग फर्स्ट टाइम बैंगलोर आ रहे हैं, आप लोग एमजी रोड मस्ट विज़िट कीजिएगा. तो चलिए अभी चलते हैं घर. धीरे धीरे इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी. आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए और आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए. टिल देन, बाय बाय.